everyone, what's up? It's me, the Beef Zad, and Mariam Shehsa. If you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button. Make sure that you hit the bell icon that you'll never miss new videos. So, surat hal ye hai ki hum dekhne wale hain kaun sa gaana? ख्याल रखा कर. असल में हुआ क्या कि मुझे मैसेज आए इंस्टा पे के योगी बाबा की नई वीडियो आ गई है, देखे रिएक्शन दे. तो वो रिएक्शन देने के लिए हम ऊपर आए. मैंने इसको पूछा कि दो वीडियोस हैं, एक योगी बाबा की वीडियो है, एक डकी भाई की वीडियो है, तीसरी वीडियो है आसिम रियाज की. और ये इसका बिग फैन, तो फैन ही हूँ, अच्छा लगता था. बिग बॉस देखा भी नहीं, फैन तुम कैसे बनी हो? मैंने पूरा बिग बॉस देखा. नहीं, पूरा नहीं देखा. मैंने पूरा देखा है, मैंने बाद में रिपीट करके भी देखा. रिपीट तुमने? मैंने मुझे याद है, मैंने अपने रूम में पहले 40 एपिसोड देखे हैं, उसके बाद मैंने नीचे मेन टीवी में लगाना शुरू किया, तब तुमने देखना शुरू किया. तुमने कैसे पहले देख लिए सारे? बस मैंने यूट्यूब कर लिया था मैंने. बिल्कुल मिलता है यूट्यूब. बिल्कुल 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 बिल्कुल. सो अभी हम देखने वाले हैं आसिम रियाज का सॉन्ग, क्या नाम है, ख्याल रखा कर, स्टारिंग आसिम रियाज, हिमांशी खुराना, मेरे घटिया बाल. इसको काटा जाए. कट कट कट. यार मैं हेयर कैच पहन ही लूं, बाल बहुत गंदे लग रहे हैं. ट्वेंटी सिक्स ईयर्स लेटर. सही है, ये देखो ना, ये फिर बेहतर. असल में मतलब इससे सारे तरह लड़कियां 26 साल बाद वैसी रहती हैं लड़के. 26 साल बाद क्या तुम, से क्या तुम कहना चाह रही हो, तुम 26 की हो गई. अपने आप को 26 साल की बोल दिया तुमने. अच्छा 26 ईयर्स, 26 साल ही होते हैं. You said 24 hours later. I thought it's 26 years. So right now we are going to watch आसिम रियाज song, ख्याल रखा कर, starring हिमांशी खुराना. आसिम रियाज ने थोड़ी गाया किसने, लेट मी चेक. परतिंदर एंड अर्शुल गर्ग. तो पंजाबी सॉन्ग है ये. सो देर ना करते हुए, ये क्या था, तुम ऐसा लग रहा जिन लग रही थी कैमरे में. दूसरा रूप है. चलो देर ना करते हुए बढ़ते हैं सॉन्ग की जाने. सो हैज फर्दर अडू माइट रियली जंप इनटू द वीडियो. लोहड़ी मना रहे हैं. अच्छा इस तरह के मुंह वाले बंदे ना इस तरह की मंजी पे सो ही नहीं सकते. क्यूट इतना है. मंजी भी क्यूट है. चाक ले. क्या रखिया कर. क्यूट. ये अच्छे लगते हैं दोनों इकट्ठे. आसिम की बॉडी स्टिल इंप्रूव कर रही है. बड़ा पाव खा रहा है. मैं पैसे देता हूँ. इतने बॉल काट दिए. मेरे भी बाल कटने वाले हो गए लॉकडाउन में. ये अच्छा शॉट लिया था. बोला ना बॉडी पे काम कर रहा है भाई. नजर उतार रही है. मेरा तू ये तू ता है, तू अपना ख्याल रखिया कर.
मुझे खत्म हो गया गाना, ड्रैग हो गया। अच्छा कपल है ये, अच्छे लगते हैं इकट्ठे दोनों। क्यूट हाँ, क्यूट, दे लुकिंग सो क्यूट। लेकिन आसिम ज्यादा क्यूट, आसिम ज्यादा क्यूट है मेरे हिसाब से। आसिम भी क्यूट, दोनों साथ में कपल अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन बिग बॉस की जर्नी में आज तक की जो सबसे अच्छी स्टोरी लाइन मुझे लगती है वो इन दोनों की थी, क्योंकि आसिम ने जो कमिटमेंट बिग बॉस के अंदर की थी बाहर भी वो फॉलो कर रहे हैं। और आसिम ने बिग बॉस खेला नहीं है, आसिम ने बिग बॉस जिया है। आसिम ने नो डाउट क्या नाम सिद्धार्थ भी बिग बॉस जी के आया है। ये दोनों बिग बॉस के घर को अपना घर समझ के रह रहे थे। और अगर आप लोग एक घर में रहते हैं तो आपको पता है घर में लड़ाइयां होती रहती है। बंदा कभी कभी बहन को मार दिया, कभी बहन ने फिर मार खा ली तो घर में लड़ाइयां तो होती रहती है। तो इन दोनों ने बिग बॉस के घर को जिया है, खेला नहीं है। तो मैं, मेरी उम्मीद है कि ये दोनों बाहर आके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पता नहीं है मुझे इनके साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं ये अच्छे रिलेशन में इन लोगों की शायद बात हुई है। मैंने आसिम की और सिद्धार्थ की, अच्छा। मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पढ़ी थी, आई डोंट नो वो सच थी या झूठी, लेकिन इनकी कॉल पे बात हुई है। अच्छा, तो मैं बिग बॉस के बाद ज्यादातर इंटरेस्ट नहीं रखता लोगों की लाइफ में, क्योंकि हर बंदे की पर्सनल लाइफ होती है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन बिग बॉस मैं इसीलिए ज्यादा ध्यान से देखता हूँ क्योंकि वो एक काइंड ऑफ सोशल एक्सपेरिमेंट है कि लोग एक एटमॉस्फेयर में किस तरह का बिहेव करते हैं, काफी कुछ सीखने को मिलता है। और लेकिन इस सीजन में मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था बिग बॉस की टीम से, बिग बॉस की टीम से डिसअपॉइंट हुआ था, बिग बॉस के कंटेस्टेंट से डिसअपॉइंट नहीं हुआ था, जो के थे आसिम और सिद्धार्थ। दोनों मेरे फेवरेट थे अपनी अपनी जगह। देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों अपनी जगह सही थे। सिद्धार्थ बिग बॉस अपार्ट, हम सॉन्ग की तरफ आते हैं, कट किया जाए इसको। यार मुझे बोलने दिया करो, तुम क्यों मेरा बिग बॉस नहीं, मुझे बात करने दिया करो पूरी। कल भी मैं एक वीडियो एडिट कर रहा था, मुझे इतना गुस्सा आया, मेरी बात रोकी हुई है बीच में तुमने। इस तरह की हरकतें करोगे तो तुम अगले दिन से दिखोगे नहीं इधर तो बिग बॉस के जो करेक्टर थे वो बिग बॉस के अंदर ही अच्छे, यानी कि उस तरह लगते हैं। बाहर में फिर उनको थोड़ा सा उनकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है और काफी कुछ सीखने को मिल जाता है बिग बॉस के अंदर उनको देख के। मरियम ये हरकत करनी है तो फिर नहीं मैंने तुम्हें आगे, तो क्या तुम ये ड्रामे कर रही हो? हाँ कर रही हूँ, ये ऐसी करती हूँ मैं सारी वीडियो में देखो तो उसके बाद अब मुझे पता नहीं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन इन दोनों से मैं काफी इंप्रेस हुआ था। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिस दिन बिग बॉस का फिनाले हुआ था कि मैं आज के बाद बिग बॉस कभी नहीं देखने वाला हूँ। अगर हम लोग बच गए और सीजन आया तो, क्योंकि अब तो वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग की वैसे सारी चीजें बंद हुई थी। बिल्कुल, तो मुझे नहीं, वैसे उधर बन सकता है एक ही घर में बंद रखना, उनको क्वारंटीन ही कराना है। उससे पहले भी उन्हें मुझे लगता है 2 महीने के लिए अलग ही रखे। अच्छा, ओवरऑल बात यह है कि अभी आधा सीजन, आधा टाइम गुजरा है अगला सीजन आने में, यानी कि अक्टूबर में आ जाएगा। अभी क्या चल रहा है, जून, कितने महीने रह गए, जून जुलाई अगस्त, फोर मंथ। और मैं अभी से दिल भी मान सा और मैं ना इस बार सोच रहा हूँ कि मैं इस बार डेली पर एपिसोड रिव्यू करूंगा कि वीडियो शो देखने के बाद ऐसे आगे बैठ जाया करेंगे और बात किया करेंगे कि शो में क्या चीज अच्छी लगी, कौन सा करेक्टर मजे का कौन सा नहीं मजे का। तो ये चीज करने का मेरा दिल हो रहा है, देखेंगे, लेट्स सी अगर हम लोग सरपास कर जाते हैं ये जो टाइम चल रहा है, then we will make our reviews on Big Boss season 14. पंद्रह। तो खैर गाने के ऊपर आते, गाना बहुत अच्छा था, लिपसिंग साउंड बहुत अच्छा था, म्यूजिक बड़ा अच्छा था। और टू बी ऑनेस्ट मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी है, गाने की जो एटमोसफेयर क्रिएट किया गया था, लोकेशन बहुत अच्छी थी, काफी ऑथेंटिक लोकेशन थी, काफी देसी माहौल था। और काफी अरसा हो गया ऐसे देसी माहौल देखा नहीं, हमने तो कभी भी नहीं देखी ऐसी घर बने हुए, देखे हुए नहीं, फुल ऐसे घर नहीं बने देखे कभी, प्रॉपर नहीं कभी देखे। लेकिन ये, और मुझे लग रहा है सेट थे, यानी कि ओरिजिनल में इस तरह के मुश्किल ही मिलते हैं, इस तरह के घर मिल जाते हैं आज, कम ही मिलते हैं इतने ऑथेंटिक घर। और ये गाने से ना, गाना सुनते टाइम मेरा दिल हो रहा था कि यही गाना लड़की की आवाज में कितना मजे का लगता है यार। मुझे एक चीज नहीं समझ, वांट मी टू सिंग दिस सॉन्ग, नहीं मैं किसी अच्छे सिंगर कह रहा हूँ यार, मुझे एक चीज नहीं समझ लगती, ये तुम बताओ, शायद तुम ज्यादा अच्छा जानते हो, पंजाबी सॉन्ग जो होते हैं उसमें
लड़के लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों गाते, मेरा ख्याल रखिया कर तेरे फोन च मेरी फोटो मम्मी, ये लड़कों ने क्यों गाए होते, लड़की यानी कि पर्सपेक्टिव तो लड़की का दे रहे होते लेकिन गा लड़के रहे होते, ऐसा इसमें लड़के को थोड़ा केयरिंग दिखाते ना कि मतलब नहीं ओवरऑल इस गाने की नहीं बात कर रहा मैं, ओवरऑल सारे गानों की बात कर रहा हूँ जो पंजाबी जितने भी गाने आते हैं उनमें यही होता है कि लड़की दिखा रहे होते हैं कि लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन गा एक मर्द रहा होता है, ऐसा क्यों होता है? मैम इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता मैम इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताया ही नहीं बताया ये हमेशा होता है, अगर आप लोगों को पता है प्लीज कमेंट में बताइएगा। मुझे याद है एक और गाना देखा था या काफी गाने मैंने सुने पंजाब के, जैसे वो एक गाना था वो इन्ने पैसे कितने लेके जाऊंगा या कोई भी वो ले ले मेनू जुत्ती लै दे सोने, ये भी लड़के ने गाया, तो ये पंजाबी जितने भी सॉन्ग होते हैं वो लड़की के पर्सपेक्टिव से गाते हैं लेकिन गाल लड़के रहे होते हैं, ये हमेशा होता है मुझे नहीं पता क्योंकि आई थिंक लड़की की फीलिंग्स को लड़के समझ जाते हैं वो एक्सप्रेस। अच्छा तुम कहना चाह रही हो कि लड़की की फीलिंग को लड़के समझ जाते हैं, लड़की खुद नहीं समझ पाती, लड़की मुंह बना रही होती उस टाइम, एटीट्यूड भी तो दिखाना होता है भाई। अच्छा अभी ना हम एक फनी चीज करेंगे, हम इस गाने को साइलेंट देखेंगे और एक कहानी बनाएंगे। अच्छा जी गाना शुरू होता है ईद मना रहे हैं घर में अकेले, ईद ईद नहीं है वो होती ना शबरात, शबरात मना रहे हैं ये लोग, शबरात मना रहे हैं घर में अकेले, इनके घर वाले क्वारंटीन करने गए हुए कि ये दोनों को क्वारंटीन कराया हुआ है, सो बाहर सो रहा है, इसको मैसेज आया है कि रोटी बन गई है आ जा खाने, रोटी वाली खुशी नहीं है बेटा ईदी ले ले आके। अच्छा ईदी ले ले, ईदी ले ले, तो उसके बाद ये हीरो कह रहा है मैं ईदी दूंगा आजो आज सुनो सुनो आज मैं आओ सुनाओ बच्चों तुमको कहानी को भी है। अच्छा ईदी लेने जा रहा था, पकड़ लिया रास्ते में, कह रही है मेरे लिए भी, मेरे लिए मैं भी लेनी है, वो कहता है ठीक है मैं दे दूंगी, खुशी खुश हो जाते हैं दोनों के ईद लेने जाएंगे। अच्छा इधर क्या कर रहे हैं दोनों, ईद मिल गई नहीं उसे, ईदी के लिए उसे बताया होगा मैंने डेकोरेशन की है, वो चिराग जलाया नॉल क्योंकि शिवरात पे ये भी सब कुछ होता है। अच्छा यानी कि ये वाला पोर्शन में रखने नहीं वाला, वो गंदी कोई स्टोरी नहीं बन रही है इनकी, वैसे मोस्टली ना गानों में एक स्टोरी बन जाती लेकिन इसमें कोई स्टोरी नहीं बन रही इस गाने में, ये वैसे पोर्शन अच्छा था खाने वाला, ईद मिल गई अगले दिन चलने वाली का बर्गर खाने के हैं, थोड़े बड़े होते हैं ना नहीं हम लोग भी ऐसे बचपन में जाते थे ऐसे बर्गर खाने। अच्छा ईद की रात को भी ऐसे ही हम लोग करते थे एक वक्त में, प्री अपोकलिप्स एरा में, ये अपोकलिप्स आने से पहले ईद ईद का दिन, वो कह रही है अम्मा कह रही है बाल कटा दे बेटा लेकिन बच्चा बाल कटाने को राजी नहीं था, राजी लेकिन यार ऐसे बाल कौन काटता है, ये ऐसे बाल कौन काटता है भाई, पूरा एक पीस काट दिया बाकी बाल उतने के उतने, बंदा या तो तरीके से लेवल करके काटे भाई, हमारे भी कटने वाले हैं। अच्छा ईद का दूसरा दिन भी आ गया साथ ही खेतों में, हम लोग भी ऐसे कहीं ना कहीं रिश्तेदारों के घर जाते थे, ईद के दूसरे दिन किधर गए हैं ये खेतों में जाते थे प्री अपोकलिपेरा में, फिर ईद के तीसरे दिन कह रहा है ओवर ईटिंग, ओवर ट्यूबवेल पे जाने के लिए रेडी हो, ओवर ईटिंग कर ली थी ईद पे, बॉडी बना रहा है, उसकी माँ आई है उसकी नजर उतारने, यार हिमांशु के माँ का रोल कर रही है ऐसे लग रहा है, अम्मी साथ नहीं है ना क्वारंटाइन करवाया हुआ। अच्छा फिर उसके बाद ना अपनी माँ के साथ बच्चा वो खेल रहा था हाइड एंड सीक, आंख मीच क्या कहते हैं हाइड एंड सीक उर्दू में, आंख मचोली, आंख मचोली, आंख मचोली खेल रहे थे, तो बच्चा ना गलती से पड़ोसियों की बेटियों को बताया मैं भी ईद मना रहा हूँ, मैं भी ईद मना रहा हूँ। उसके बाद ना जब वो गलती से साथ वालों की लड़कियों को पकड़ने लगा था ना, तो माँ को गुस्सा आ गया, माँ ने कहा बेटा उन्होंने अब्बे ने बहुत कुटना आके वापस, नहीं बेटा वो 15 दिन से बाहर घूम रहे हैं। उसके बाद ना बेटा डांस इंडिया डांस की प्रैक्टिस कर रहा है माँ ने ताली बजाई बहुत अच्छा डांस कर रहा है, फिर वो बेटा कहता है माँ पल्लू ढक के रखिया कर अब्बा आ गया ना कुट पै जूगी तेन क्या वीडियो यार वीडियो की ना, अच्छा इस ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है जब इस तरह वीडियो बनाते हैं तो रिव्यू हो जाता है एक वीडियो का, और इस वीडियो में ये हुआ है कि मैं मुझे ये नोटिस किया गया मैंने ये नोटिस किया है मैंने कि वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वीडियो की ग्राफिक्स बहुत अच्छे है, लेकिन वीडियो में स्टोरी लाइन कोई नहीं है, यानी कि कोई मेन मकसद नहीं था, एक सीन्स ही ऐसे क्लिप्स ही है जैसे टिकटॉक क्लिप्स होते हैं आजकल, ये मुझे इस तरह गाने की वीडियो नहीं अच्छी लगती, ने टिकटॉक और यूट्यूब को कंपैरिजन कर दिया है, यही है वो लड़ाई होगी, देखिए लड़ाई होगी अब मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी।
अच्छा क्या है, वीडियो मैं जैसे बता रहा था कि वीडियो में कोई स्टोरी नहीं थी, सिर्फ वीडियो थी, तो इस तरह की वीडियो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं वीडियो को इस बिहाफ पे मैं वीडियो को 6 स्टार दूंगा कि इसमें कोई स्टोरी नहीं है, सिर्फ अच्छे शॉर्ट्स लिए गए, अच्छी स्टोरी लाइन बनाने की कोशिश नहीं की गई, मैं 6 स्टार दूंगा वीडियो को। तुम कितने स्टार दोगे वीडियो को? सिर्फ सिर्फ वीडियो को तो 5 ठीक है, लेकिन अगर आसिम को देना तो 10 बैठे। नहीं नहीं, वीडियो को दो 10 में से, मैं 6 दे रहा हूँ, ये 5 दे रही है, मुझसे भी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है ये। चलो 7 अच्छा 7 ये दे रही है व्यूज। हाँ वो उसी के लिए मैंने 6 दिया है। अगर व्यू, अगर वाइड एंगल मजे के शॉट ना होते तो मैं भी 5 देने वाला था। खैर गाने पे आते हैं, गाने को मैं इसके दूंगा 8 स्टार। गाना अच्छा गा, नहीं नहीं 7 स्टार, सॉरी 7.5 एट एंड हाफ बहुत ज्यादा है। 8.5 तुम दे सकते हो, लग जा गले को, लग जा गले के फिर ये अजीरात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इज आवर रिएक्शन ऑन ख्याल रखा कर। इफ यू लाइक वॉचिंग आवर रिएक्शन प्लीज गिव अस अ बिग फैट थम्स अप। इफ यू वांट टू सजेस्ट समथिंग और यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट दैट इन कमेंट सेक्शन बिलो। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, टिकटॉक, लाइक ही बेसिकली आई एम एवरीवेयर, सिंपली सर्च एनी बीएलएस एंड यू विल फाइंड मी। यू कैन ऑल्सो फाइंड हर ऑन यूट्यूब स्टे अंडरस्कोर लॉबी और ऑन टिकटॉक स्टे अंडरस्कोर लॉबी और ऑन पबजी स्टे डॉट लॉबी। And you can also click here to subscribe our YouTube channel. After subscribing our YouTube channel, please ring the bell for notification to help you to stay active on our YouTube channel. Lag ja gale, peace.